सुनिए, मेरा नाम रोहन है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कौन-कौन सी खिदमात कंप्यूटर से फराहम कर सकती हैं? हाँ, जरूर। मेरा नाम गीता है और आप जैसा देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सहूलत बख्श एक कंप्यूटर है, जिसके जरिए मैं मुख्तलिफ खिदमात जैसे रेल टिकट की बुकिंग, मुख्तलिफ अकसाम की इत्तला जानने में, बिजली और मोबाइल फोन के बिलों की अदायगी, बैंक से लेन देन, पैन कार्ड और पासपोर्ट की दरख्वास्त वगैरह वगैरह की सहूलियात हासिल करा सकती हूँ। अच्छा, इसका मतलब मेरे देहात वालों को इन कामों के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, हरगिज नहीं है। अगर देहात में इंटरनेट बख्श कंप्यूटर की सहूलत दस्तयाब है, तो देहात वालों को इन सहूलियात को हासिल करने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब जानकर देहात वाले भी मेरी तरह बहुत खुश होंगे। हाँ, बिल्कुल। आप इन्हें देहात वालों को जरूर बताइए। जी, मेरा नाम राम प्रसाद है। आप कौन कौन सी ऑनलाइन खिदमात फराहम करा सकती हैं? क्या मेरे शहर गए बगैर आप मेरे बिजली बिल की अदायगी यहीं से करवा सकती हैं? मुझे सफर करने में बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, बिल्कुल। आप इतनी दूर गए बगैर अपने बिजली के बिल की अदायगी यहीं से कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है तो ये मेरे लिए बहुत ही सहूलत बख्श होगा। क्या आप कंप्यूटर के जरिए फसल के बाजार भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं कंप्यूटर पर इंटरनेट के जरिए हाल में फसल के भाव भी बता सकती हूँ। ये तो ताज्जुब है। क्या हम ये सारी सहूलियात देहात में भी हासिल कर सकते हैं? हाँ, इंटरनेट के जरिए ये सभी इत्तलात आप अपने देहात में ही हासिल कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आजकल इंटरनेट की सहूलत मोबाइल फोन पर भी दस्तयाब है। क्या ये सच है? हाँ रोहन, न सिर्फ मोबाइल फोन बल्कि आजकल लोग स्मार्टफोन या टैबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए करते हैं। ये सब सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। क्या आप मुझे कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिल्कुल रोहन, बराए करम तशरीफ रखिए। मैं आपको कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में मजीद बताती हूँ। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला आला है, जिसका इस्तेमाल आदादो शुमार और इत्तेलात को जमा करने और उन पर अमल आवरी के लिए किया जाता है। हम कंप्यूटर से क्या-क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के जरिए मीलों दूर रहने वाले कुनबे के अफराद और दोस्तों से जुड़ा जा सकता है, रेल टिकट बुक कराए जा सकते हैं, बैंक खाते में लेन देन किया जा सकता है, इत्तलात जमा की जा सकती हैं, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं और पिक्चर देखी जा सकती हैं। अब हम कंप्यूटर और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में सीखते हैं। एक कंप्यूटर दो हिस्सों में तकसीम होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर और उससे जुड़े सभी आज़ा को हार्डवेयर कहते हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए कंप्यूटर हिदायत के जिन ग्रुप या ग्रुप्स पर अमल करता है, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपका मतलब है कि स्क्रीन पर नजर आने वाले सभी आइकन सॉफ्टवेयर होते हैं? हाँ रोहन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रोग्राम होते हैं जिनसे हम तरह तरह के काम करते हैं। अब हमें मुख्तलिफ आलात के बारे में जानना चाहिए जिनसे कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर के तीन आज़ा होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस।
जैसे एक ट्रैक्टर को चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में डाटा भरने, हिदायत या इत्तला जमा कर मुख्तलिफ काम करने के लिए आलात की जरूरत होती है। कंप्यूटर में डाटा भरने, हिदायत या इत्तला जमा करने के जिन आलात का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इन तस्वीर को देखो, ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल कंप्यूटर में होता है। ये इनपुट डिवाइस ज़ेल हैं, पेन ड्राइव्स, माउस, सीडी और माइक्रोफोन। कीबोर्ड और माउस इब्तिदाई इनपुट डिवाइसें हैं। ये बिल्कुल टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह नजर आता है। हाँ, इसमें कुछ ज़ायद बटन जरूर है। हाँ, आम तौर पर कीबोर्ड के बटनों के साथ इसमें कुछ नंबर और खास बटन जरूर होते हैं। क्या आप मुझे बताएंगी कि खास बटनों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? नंबर बटन की मदद से कैलकुलेटर की तरह नंबर भरे जाते हैं। नेविगेशन बटन रहनुमाई बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज देखने में मुआविन होते हैं। प्रोग्राम में पेज अप बटन सब्जेक्ट के देखने वाले हिस्से और कर्सर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है। प्रोग्राम में पेज डाउन सब्जेक्ट के नजर आने वाले हिस्से और कर्सर को स्क्रीन पर पीछे करता है। प्रोग्राम में होम बटन कर्सर को सब्जेक्ट के शुरुआत में ले जाता है। प्रोग्राम में एंड बटन कर्सर को सब्जेक्ट की आखिरी लाइन में ले जाता है। प्रोग्राम में ये तीनों बटन तरमीम कीज कही जाती हैं, जो कंप्यूटर में मतन दस्तावेजात में तरमीम करने में मुआविन होती हैं। ज्यादातर मतन तरमीम प्रोग्रामों में इंसर्ट बटन का इस्तेमाल किसी मतन में अल्फाज को भरने और लिखावट पर अल्फाज की तरमीम में होता है। डिलीट बटन मतन तरमीम प्रोग्रामों में एक एक कर हरूफ को दाएं जानिब मिटाता है। बैकस्पेस बटन मतन तरमीम प्रोग्रामों में एक एक कर हरूफ बाएं तरफ मिटाता है। ये चार बटन किस काम में इस्तेमाल किए जाते हैं? ये चारों बटन हिदायत बटन कहलाते हैं। ज्यादातर मतन तरमीम प्रोग्रामों में कर्सर को स्क्रीन पर ऊपर की तरफ ले जाता है। ज्यादातर मतन तरमीम प्रोग्रामों में कर्सर को स्क्रीन पर नीचे की तरफ ले जाता है। ज्यादातर मतन तरमीम प्रोग्रामों में कर्सर को स्क्रीन पर बाईं तरफ ले जाता है। ज्यादातर मतन तरमीम प्रोग्रामों में कर्सर को स्क्रीन पर दाएं तरफ ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो? ये बटन फंक्शनल बटन कहलाते हैं। ये बटन कंप्यूटर पर खास प्रोग्राम के मुताबिक बताए गए खास काम को अंजाम देते हैं। ज्यादातर प्रोग्रामों में एस्केप बटन चल रहे अमल को खत्म कर देता है। कंट्रोल बटन और अल्टरनेट बटन फंक्शन मॉडिफाइड बटन हैं, जो ज्यादातर प्रोग्रामों में मखसूस काम और माउस के अमल को या तो बदल देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। विंडो बटन विंडो के स्टार्ट मेन्यू को सरगर्म कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि टास्क बार के स्टार्ट बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने कीबोर्ड के मुख्तलिफ बटनों के बारे में सीखा, अब हम माउस के बारे में सीखते हैं। माउस एक दिखाने वाला यानी हिदायत देने वाला आला है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आने वाले आइकन्स की निशानदेही कर उनसे आपसी तामुल बनाने में होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही माउस चलाया जाता है, वैसे ही माउस चलाए जाने की सिमत में एक छोटा तीर स्क्रीन पर चलता है। इस तीर को पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर की मदद से कंप्यूटर को अमल के लिए डाटा और हिदायत मुहैया कराए जा सकते हैं। माउस पर दो बटन भी होते हैं,
बायां बटन और दायां बटन। माउस के दोनों बटनों के बीच में एक घूमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से आप दस्तावेज और वेब पेज पर आसानी से चला सकते हैं। ये माउस के जरिए किए जा सकने वाले कुछ काम हैं। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम का इंतखाब किया जा सकता है। माउस के बाएं बटन को मुसलसल दो बार यानी बगैर किसी वक्फे के दबाकर या क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मेन्यू खुल जाता है। घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में हमारी मदद करता है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, उसी तरह कंप्यूटर में वो आला जो डाटा जमा कर तहफ्फुज को काबू करते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू प्रोसेस की जाती है, फिर कंप्यूटर की मेमोरी या आरएएम में महफूज की जाती हैं। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, उसी तरह कंप्यूटर के साथ नतीजे को लिखाने के लिए जो आलात इस्तेमाल में लाए जाते हैं उन्हें आउटपुट आला कहते हैं। मॉनिटर एक बहुत ही मामूली आउटपुट आला है। मॉनिटर स्क्रीन है जिसका इस्तेमाल आउटपुट जैसे अल्फाज, नंबरों और तस्वीर को देखने में होता है। मॉनिटर दो तरह के होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। प्रिंटर कंप्यूटर से प्रोसेस हुआ डाटा लेता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और उसे छाप कर निकालता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। कंप्यूटर पर नजर आने वाली किसी तस्वीर या मतन को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं और उसी के छपे हुए को हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर तीन तरह के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्पीकर एक आउटपुट आला है जिसके जरिए हम आवाज सुनते हैं। स्पीकर के बगैर हम गीत या आवाज वगैरह को सुन नहीं सकते। हेडफोन के जरिए हम कंप्यूटर से आवाज को सुन सकते हैं। ये स्पीकर की तरह के ही होते हैं, लेकिन इन्हें कानों में लगाया जा सकता है, इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स आवाज को सुन सकता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट आला है जिससे किसी मतन या तस्वीर को हमवार स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ज्यादातर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल इजलास में या पेशकश में होता है, जिसके जरिए पेश होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं। अब तक हमने कई तरह की इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइसों के बारे में जाना है। अब हम लोग मजेदार कारकर्दगियों में हिस्सा लेंगे। दीदी, कंप्यूटर सारा डाटा कहाँ जमा करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी जरूरी चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है, उसी तरह कंप्यूटर डाटा जमा करता है, जिसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी दो तरह की होती है, इब्तिदाई या खास मेमोरी और दोयम मेमोरी। खास या इब्तिदाई मेमोरी बहुत तेज है, इसे रैम कहते हैं। इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम होती है। कंप्यूटर की रफ्तार रैम पर मुनसर करती है। डाटा और हिदायत खास मेमोरी में महफूज रहते हैं, जहां से ये प्रोसेस कर नतीजा हासिल करने के लिए सीपीयू में दोबारा हासिल किए जा सकते हैं। रैम वो मेमोरी होती है जहां सारे प्रोग्राम महफूज किए जाते हैं। कंप्यूटर की रफ्तार रैम पर मुनसिर करती है। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो रैम का हिस्सा होती है और प्रोसेसर के बहुत पास होती है। इसका इस्तेमाल प्रोसेसिंग रफ्तार को सुधारने में किया जाता है। इब्तिदाई मेमोरी
महदूद होती है, इसलिए लामहदूद डाटा को महफूज करने के लिए दोयम मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि कंप्यूटर दोयम मेमोरी पर महफूज डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता, इसलिए प्रोसेस करने के लिए पहले रैम पर उसकी नकल तैयार की जाती है। ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है जो दोयम मेमोरी की तरह काम करती है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डीवीडी। तो एक कंप्यूटर डाटा को अपनी मेमोरी में कैसे महफूज करता है? कंप्यूटर सभी इत्तलात को सिर्फ दो हिंदसों, सिफर और एक में जमा करता है। एक अकेली बाइनरी डिजिट यानी एक या सिफर को बिट कहते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं। इस टेबल को देखिए, इसमें बिट्स और बाइट्स के बाहमी ताल्लुक को दिखाया गया है। जो काम पूरा करने और हार्डवेयर को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हिदायत का सिलसिलेवार मंसूबा बंद ग्रुप है जो कंप्यूटर को हिदायत देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो इस्तेमालकर्ता को कंप्यूटर में खास काम को पूरा करने में मदद करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मिसाल हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो इस्तेमालकर्ता को कंप्यूटर में खास काम को अंजाम देने में मदद करते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हम आगे बढ़ने से पहले इस कारकर्दगी में हिस्सा लेते हैं। गीता, ये सब तो बहुत दिलचस्प है। मैंने पहले कभी भी कंप्यूटर नहीं चलाया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कंप्यूटर कैसे लगाया जाता है और कैसे चलाया जाता है? जरूर चचा, मैं सब कुछ समझा दूंगी। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों से मुतारिफ कराती हूँ। ये मॉनिटर है, ये टेलीविजन की तरह है और इसके स्क्रीन पर आउटपुट देखा जा सकता है। ये सिस्टम बॉक्स है, इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है। ये सीपीयू ही कंप्यूटर का खास हिस्सा होता है। ये कीबोर्ड और माउस हैं। ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, जिनके जरिए कंप्यूटर में डाटा भरा जाता है। कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए, तब सिस्टम बॉक्स के बगल में मॉनिटर रखिए। सिस्टम बॉक्स के पिछले हिस्से को देखिए, इसमें मुख्तलिफ डिवाइस जोड़ने के लिए खांचे बने हैं, जिन्हें पोर्ट कहते हैं। अब इस तरह से मॉनिटर सिस्टम से जोड़ा जाता है। सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्ट को VGA पोर्ट कहते हैं। इसमें मॉनिटर को जोड़ने वाले तार को VGA केबल कहते हैं। VGA केबल के एक सिरे को सिस्टम के VGA पोर्ट से और दूसरे को मॉनिटर से जोड़ा जाता है। कीबोर्ड दो तरह के कनेक्टर वाले होते हैं, PS2 कनेक्टर या USB कनेक्टर। कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के दिए गए पोर्ट में जोड़ा जाता है। माउस तीन तरह के कनेक्टर वाले होते हैं, PS2 कनेक्टर, USB कनेक्टर या सीरियल कनेक्टर। माउस को कनेक्ट करने के लिए उसके कनेक्टर को सिस्टम के दिए गए पोर्ट में जोड़ा जाता है। उसी तरह अगर प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके कनेक्टर, जो इन दो में से किसी एक तरह का हो सकता है, मुतवाजी पोर्ट या USB पोर्ट को सिस्टम के दिए गए पोर्ट में जोड़ दें। शुक्रिया गीता। अब हम कंप्यूटर को बिजली के मेन बोर्ड से कैसे जोड़ सकते हैं? कंप्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है। एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में और दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें। उसके बाद दोनों तारों को
बिजली के बोर्ड से या यूपीएस से जोड़ें। गीता, क्या आप हमें बता सकती हैं कि कंप्यूटर को शुरू कैसे करते हैं? बिल्कुल, कंप्यूटर शुरू करने के लिए मुंदजजील कारगुजारियों पर अमल करें। पहले सिस्टम यूनिट और मॉनिटर दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें। सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबाकर उसे चालू करें और मॉनिटर का पावर बटन दबाकर उसे भी चालू करें। कुछ पल के लिए इंतजार करें और देखें कि मॉनिटर पर डिस्प्ले आने लगा है। उसे बूट स्क्रीन कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सभी सॉफ्टवेयर लोड हो जाएंगे। अब कंप्यूटर आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है। शुक्रिया गीता, पहली बार न सिर्फ कंप्यूटर को देखा है बल्कि उसे चालू करना भी सीखा है। हाँ, कंप्यूटर के बारे में ये सब बताने के लिए आपका शुक्रिया दीदी। अब हमें मोबाइल फोन और टैबलेट के बारे में भी बता देंगी? बिल्कुल रोहन, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि मोबाइल फोन और टैबलेट कैसे चलाते हैं। हाँ, मैं भी इन चीजों के बारे में सीखना चाहता हूँ। पहले हम मोबाइल फोन और टैबलेट के मुख्तलिफ हिस्सों, कामों और इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक मोबाइल फोन एक ऐसा आला है जिससे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल हासिल कर सकते हैं, मैसेज लिखकर भेज सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। जदीद मोबाइल फोनों में कई तरह की खसूसियात होती हैं, जैसे कि इंटरनेट, खेल, कैमरा, वीडियो गेम और रास्ता दिखाने वाला सिस्टम। ये फोन स्मार्टफोन कहलाते हैं। कुछ मोबाइल फोनों में दो दो सिम कार्ड एक साथ ही फिट हो जाते हैं। इन्हें डुअल सिम कार्ड फोन कहते हैं। फोन के मुख्तलिफ हिस्सों को देखिए। गीता, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम और बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस मुंदजजील मराहिल पर अमल करें। पहला, फोन को स्विच ऑफ कर दें और फोन का कवर निकाल दें। उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें, सिम खांचे में सिम डाल दें। आखिर में बैटरी और कवर दोबारा लगा दें और फोन को चालू करें। शुक्रिया गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी मुश्किल होती है। फिक्र ना करें, बस मुंदजजील मराहिल पर अमल करते जाएं। पहला, चार्जर को दीवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं। तब चार्जर को फोन में लगाएं। कुछ वक्त के बाद जब मोबाइल बैटरी फुल दिखाए तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दीवार के सॉकेट से निकाल दें। मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक और अनलॉक कैसे किया जाता है। हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए? चचा, जब आप लंबे वक्फे तक फोन का इस्तेमाल ना कर रहे हों तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है। उसका ये अमल है। फोन लॉक करने के लिए सिलेक्ट मेन्यू पर जाएं और स्टार्ट बटन दबाएं। अब ये लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाएं और तब स्टार्ट बटन दबाएं। मेरे पास ये नया मोबाइल है और मुझे ये तक नहीं मालूम है कि इसकी खसूसियात कैसे देखें। आप अपने मोबाइल की खसूसियात देखने के लिए पहले मेन्यू आइकन पर छुएं या मेन्यू बटन दबाएं, जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई देने लगेंगे। और बैक जाने के लिए बैक आइकन को छुएं या बैक बटन दबाएं। दोबारा शुरू में जाने के लिए होम आइकन को छुएं या होम बटन दबाएं। बेसिक फोन या टच स्क्रीन फोन की रिंगटोन बदलने के लिए ये अमल अपनाएं। बेसिक फोन के लिए पहले मेन्यू का इंतखाब करें, फिर सेटिंग का, तब टोन बटन का इंतखाब करें और फिर रिंगटोन पर जाएं। तब गैलरी खोलने के लिए गैलरी पर क्लिक करें। यहाँ पर कई रिंगटोनों की फहरिस्त दिखाई देगी। अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक
टोन का इंतखाब कर सकते हैं। टच स्क्रीन फोन की रिंगटोन बदलने का अमल। पहला, होम आइकन को छुएं, फिर मेन्यू आइकन को छुएं, फिर पर्सनलाइजेशन या सेटिंग्स आइकन को छुएं और फिर प्रोफाइल सेटिंग आइकन को छुएं। तब रिंगटोन या नोटिफिकेशन रिंगटोन आइकन को छुएं। अब रिंगटोन की फहरिस्त में जाकर अपनी मर्जी के मुताबिक रिंगटोन का इंतखाब करें। तब ओके आइकन को छुएं। गीता, मैं अपने फोन में अलार्म सेट करना चाहता हूँ। क्या सुबह का जल्दी अलार्म सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? ज़ेली अमल से आप खुद कर सकते हैं। बेसिक फोन के लिए पहले मेन्यू को चुनें, तब एप्लीकेशन और फिर अलार्म घड़ी का इंतखाब करें। उसके बाद अलार्म का वक्त सेट करके सेव चुनें। अगर आप अलार्म को दोहराना चाहते हैं तो इंतखाब के मुतबादिल में जाकर रिपीट बटन को दबाएं। टच स्क्रीन फोन में ज़ेली अमल अपनाएं। पहले मेन्यू को छुएं, तब घड़ी को छुएं, तब अलार्म को छुएं, अलार्म का वक्त सेट करके सेव चुनें। दीदी, क्या आप हमें टैबलेट के बारे में बता सकती हैं? हाँ, जरूर। मैं अभी बताने ही वाली थी। टैबलेट एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन या एक लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह है। आजकल टैबलेट बहुत ही सहूलत बख्श साख्त और फीचर के आसान इस्तेमाल की वजह से बहुत मकबूल हो गए हैं। इनका इस्तेमाल हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा दस्तावेजात तश्कील करने में करते हैं। टैबलेट की अकसाम। टैबलेट मुख्तलिफ तरह के होते हैं। यहाँ पर कुछ हैं। बुकलेट टैबलेट की सबसे सहूलत बख्श शक्ल है जो किताब की तरह नजर आता है। इस डिवाइस के दोनों तरफ डिस्प्ले होता है और इसका तरीक़ेकार दोनों अतराफ छूने से काम करता है। ये दस्तावेज को पहचानने वाला सॉफ्टवेयर होता है जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की इजाज़त देता है जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं। स्लेट सबसे सादा और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टैबलेट पीसी है जो ज्यादातर तफरी के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्टेबल टैबलेट तकरीबन रिवायती लैपटॉपों की तरह ही होते हैं। इनमें बस एक बड़ा फर्क ये होता है कि इनमें ऐसा टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है। हाइब्रिड टैबलेट में स्लेट और कन्वर्टेबल टैबलेट दोनों की सभी अच्छी खसूसियात शामिल होती हैं। हाइब्रिड टैबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं जो के दिए गए स्लेट के जरिए स्लेट में जोड़कर टैबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं। एक रग्ड टैबलेट उन इस्तेमाल करदाओं के लिए अच्छा है जो मुश्किल माहौलियाती हालात में काम करते हैं। उनके अंदर की शॉक प्रूफ हार्ड ड्राइव और मुहाफिज परत इन्हें काफी टिकाऊ बनाती है। ये एक बात आपके लिए जहन में रखना बहुत जरूरी है कि पहली बार इनका इस्तेमाल करने से पहले उनकी बैटरी को कम से कम 6 से 8 घंटे चार्ज करना चाहिए जब तक कि बैटरी पूरी तरह चार्ज ना हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं? इन मराहिल पर अमल करो। पहला, केबल को चार्जिंग हेड में लगाएं और प्लग को स्टैंडर्ड एसी पावर में लगा दें। डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है। डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में तवानाई तहफ्फुज के लिए पावर सेवर बटन को दबाकर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को दोबारा तब्दील करने के लिए इस अमल को दोबारा करें।
डिवाइस को बंद करने का सही तरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो तो ज़ेली मराहिल पर अमल करें। पहले पावर बटन को कुछ लम्हात के लिए दबाकर रखें, तब टैबलेट को बंद करने के लिए मेन्यू खुलने पर नजर आएगा, तब पावर ऑफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें। होम स्क्रीन एप्लीकेशन फंक्शन मेन्यू के लिए शुरुआती पॉइंट है। आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लीकेशन आइकन्स, शॉर्टकट फोल्डर को जोड़कर कस्टमाइज कर सकते हैं। स्क्रीन को दाएं या बाएं स्वाइप करें या खिसकाएं ताकि जायद खसूसियात देख सकें। तो तुमने सीखा कि कैसे लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल फोन और टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस अमल में हिस्सा लेते हैं।